नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि नौ योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋतविज और आचार्यों के साथ ऋषभनंदन नव योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से जो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शालव आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था, वह भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। छठा अध्याय, देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवऋषि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुहियक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से देदीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्निमेश नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं,
आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो, आश्चर्य है। अजित, आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमय माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, पांच रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, सनकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं, और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं, आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतरदेश में धर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत, वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की तीन धाराएं ऐसी जान पड़ती थीं मानो उसमें लगी हुई तीन पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि, मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्तत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्तत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्तत्व त्रिगुणमय माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार
और मन रूप सात आवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौंओं के इशारे से और सुर तालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं। परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी। वे असफल ही रही। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहां रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहां नहीं रहना चाहिए।
अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजयक्षमा रोग ने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देवादि देवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहां तक गिनाए, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल मुस्कान चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा,